भगोड़ा विजय माल्या की संपत्तियों को बेचने की मंजूरी मिल गई है। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने एसबीआई और दूसरे बैंकों को उसकी जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूल करने की इजाजत दे दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं है। माल्या के वकीलों ने आपत्ति की थी कि ये सिर्फ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर सके। आपको बता दें कि माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है और वो कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गया है। आज देश को औपचारिक रूप से पहला सीडीएस मिल गया है। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कामकाज संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत को सीडीएस का पदभार संभालने के बाद बधाई दी है। आज सुबह बिपिन रावत को तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीडीएस का पदभार संभालने से पहले जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली के वार मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। इससे पहले नए आर्मी चीफ नरवणे ने देश की सुरक्षा को लेकर देशवासियों को आश्वस्त किया। जनरल ने कहा कि देश के दामन पर आंच नहीं आने देंगे। आज एक नए साल की ही नहीं बल्कि एक नई दशक की भी शुरुआत है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए दशक में हमारा देश बड़ी उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन ये तरक्की तभी हो पाएगी जब हमारी सरहद सुरक्षित होंगे। जब हमारी सरहदें सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे, तभी हम अपना कामकाज कर पाएंगे और तभी देश में प्रगति होगी। नए साल पर इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इसका ऐलान खुद इसरो के चीफ के सिवन ने किया। सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 एकदम चंद्रयान 2 जैसा होगा। सिवन ने गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में भी महत्वपूर्ण ऐलान किया। सिवन ने कहा कि 2019 में गगनयान प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हुआ है और इस साल गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो जाएगा। What is 2020? One thing, one major announcement I wanted to make here officially is Chandrayaan 3 is government has approved and it is that the project is now formed. The activity is going on Chandrayaan 3 very smoothly and Chandrayaan 3 configuration will be almost similar to Chandrayaan 2. और नए साल की शुरुआत सुख शांति की कामना के साथ हुई। मंदिरों में पूजा आरती हो रही है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में नए साल की खास आरती हुई है। लोगों ने सिद्धि विनायक से 2020 के लिए अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी हैं। वाराणसी के घाट पर भी खास गंगा आरती हुई है। वहीं रामेश्वर में भी आप ये तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा की गई है। इसके साथ ही असम के प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या मंदिर में लोगों ने नए साल पर माँ कामाख्या की पूजा अर्चना की। नए साल पर भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी।
दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ आज देखने को मिली।